दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त के चौथे अंक की कथा को आइए आगे बढ़ाते हैं। अगले दृश्य में पथ में विजया और मातृगुप्त को दिखाया गया है। विजया कहती है, नहीं कविवर, ऐसा नहीं। मातृगुप्त कहता है, कौन? विजया। विजया कहती है, आश्चर्य और शोक का समय नहीं है। तो कवि शिरोमणि गा चुके मिलन संगीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, रो चुके प्रेम के पचड़े। एक बार वह उद्बोधन गीत गा दो कि भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाएं। मातृगुप्त कहता है, देवी, तुम देवी? विजया कहती है, हाँ मातृगुप्त। एक प्राण बचाने के लिए जिसने तुम्हारे हाथ में काश्मीर मंडल दे दिया था, आज तुम उसी सम्राट को खोजते हो। एक नहीं, ऐसे सहस्र स्कंदगुप्त, ऐसे सहस्रों देवतुल्य उदार युवक इस जन्म भूमि पर उत्सर्ग हो जाएं। सुना दो वह संगीत जिससे पहाड़ हिल जाए और समुद्र कांप कर रह जाए। अंगड़ाइयां लेकर मुचकुंद की मोह निद्रा से भारतवासी जग पड़े। हम तुम गली गली कोने कोने पर्यटन करेंगे, पैर पड़ेंगे, लोगों को जगावेंगे। मातृगुप्त कहता है, वीर बाले, तुम धन्य हो, आज से मैं यही करूंगा। और देखकर कहता है, वह लो चक्रपालित आ रहा है। तभी चक्रपालित का प्रवेश होता है। वह कहता है, लक्ष्मी की लीला, कमल के पत्तों पर जल बिंदु, आकाश के मेघ समारोह, अरे इनसे भी क्षुद्र निहार कणिकाओं की प्रभात लीला। मनुष्य की अदृष्ट लिपि वैसी ही है जैसी अग्नि रेखाओं से कृष्ण मेघ में बिजली की वर्णमाला, एक क्षण में प्रज्वलित, दूसरे क्षण में विलीन होने वाली। भविष्यत का अनुचर तुच्छ मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। मातृगुप्त कहता है, बंधु चक्रपालित। चक्रपालित पूछता है, कौन? मातृगुप्त। ऐसा भीम वर्मा प्रवेश करके कहता है, कहाँ है मेरा भाई? मेरे हृदय का बल, भुजाओं का तेज, वसुंधरा का श्रृंगार, वीरता का वर्णीय बंधु, मालव मुकुट, आर्य बंधु वर्मा। प्रख्यात कीर्ति और श्रवण का भी प्रवेश होता है। प्रख्यात कीर्ति कहता है, सब पागल लुट गए से, अनाथ और आश्रयहीन यही तो हैं। आर्य राष्ट्र के कुचले हुए अंकुर, भग्न साम्राज्य पोत के टूटे हुए पटरे और पत्रवार, ऐसे वीर हृदय, ऐसे उदार। मातृगुप्त कहता है, तुम कौन हो? प्रख्यात कीर्ति कहता है, संभवतः तुम ही मातृगुप्त हो। मातृगुप्त शंका से देखता हुआ कहता है, क्यों अहेरी कुत्तों के समान सूंघते हुए यहां भी, परंतु तुम? प्रख्यात कीर्ति कहता है, संदेह मत करो मातृगुप्त, शैशव सहचर कुमार धातुसेन की आज्ञा से मैं तुम लोगों को खोज रहा हूं, यह लो प्रमाण पत्र। मातृगुप्त पढ़कर कहता है, धन्य सिंघल के युवराज श्रवण, कह देना मैं आज्ञानुसार चलूंगा और कनिष्क चैत्य के समीप भेंट होगी। प्रख्यात कीर्ति कहता है, कल्याण हो। और वह जाता है। विजया पूछती है, कहां चले हम लोग? मातृगुप्त कहता है, उसी जंगल में। और सब लोग जाते हैं। अगला दृश्य है कमला की कुटी का, जहां विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश दिखाया गया है। स्कंदगुप्त कहता है, बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सिर्फ संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। चेतना कहती है कि तू राजा है, और उत्तर में जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है, उसी खिलवाड़ी बटपत्र शाही बालक के हाथों का खिलौना है। तेरा मुकुट श्रमजीवी की टोकरी से भी तुच्छ है। करुणा सहचर, क्या जिस पर कृपा होती है उसी को दुख का अमोघ दान देते हो? नाथ, मुझे दुखों से भय नहीं, संसार के संकोच पूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं। वैभव की जितनी कड़ियां टूटती हैं, उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है और तुम्हारी ओर अग्रसर होता है। परंतु यह ठीकरा इसी सिर पर कूटने को था। आर्य साम्राज्य का नाश नी आंखों को देखना था। हृदय कांप उठता है, देशाभिमान गरजने लगता है।
मेरा स्वत्व न हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। यह नीति और सदाचारों का महान आश्रय वृक्ष गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो। ओ, जाने दो, गया सब कुछ, गया मन बहलाने को कोई वस्तु न रही। कर्तव्य विस्मृत, भविष्य अंधकारपूर्ण, लक्ष्यहीन दौड़ और अनंत सागर का संतरण है। बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो हमारे सुप्त जीवन को, जगा दो विमल स्वातंत्र का बस मंत्र को, हमें सब भीति बंधन से छुड़ा दो। सहारा उन अंगुलियों का मिले, हाँ रसीले राग में मन को मिला दो। तुम ही सत हो, इसी की चेतना हो, इसे आनंदमय जीवन बना दो। और स्कंद गुप्त प्रार्थना में झुकता है, तभी उन्मत्त भाव से शर्वनाग का प्रवेश होता है। शर्वनाग कहता है, छीन लिया, गोद से छीन लिया, सोने के लोभ से मेरे लालों को शूल पर के मांस की तरह सेकने लगे। जिन पर विश्व भर का भंडार लुटाने को मैं प्रस्तुत था, उन्हीं कुदड़ी के लालों को राक्षसों ने, खूनों ने, लुटेरों ने लूट लिया। किसने आहों को सुना? भगवान ने नहीं, उस निष्ठुर ने नहीं सुना, देखते हुए भी न देखा। आते थे कभी एक पुकार पर, दौड़ते थे कभी आते आह पर, अवतार लेते थे कभी आर्यों की दुर्दशा से दुखी होकर, अब नहीं। देश के हरेक आनंद चिता बन रहे हैं, धधकती हुई नाश की प्रचंड ज्वाला दिग्दाह कर रही है। अपने ज्वालामुखियों को बर्फ की मोटी चादर से छिपाए हिमालय मौन है, पिघल कर क्यों नहीं समुद्र से जा मिलता। अरे जड़, मूक, बधिर प्रकृति के टीले। और उन्मत्त भाव से शर्वनाग वहां से प्रस्थान करता है। स्कंदगुप्त पूछता है, कौन है ये शर्वनाग है? क्या अंतर्वेद भी उनसे पादाक्रांत हुआ? अरे आर्यावर्त के दुर्देव, बिजली के अक्षरों से क्या भविष्य लिख रहा है? भगवान, यह अर्धोन्मत्त शर्व आर्य साम्राज्य की हत्या का कैसा भयानक दृश्य है, कितना विभत्स है। सिंहों की विहार स्थली में शिगाल वृंद सड़ी लोथ नोच रहे हैं। तभी पगली रामा का प्रवेश होता है। स्कंद को देखकर रामा कहती है, लुटेरा है तू भी, क्या लेगा मेरी सूखी हड्डियां, तेरे दांतों से टूटेंगी, देख तो। और अपना हाथ बढ़ाती है। स्कंदगुप्त कहता है, कौन? रामा। रामा आश्चर्य से कहती है, मैं रामा हूं, हाँ जिसकी संतान को उन्होंने पीस डाला। ठहर कर, मेरी मेरी संतान? इन अभागों किसी वे नहीं थी, वे तो तलवार की बारीक धार पर पैर फैलाकर सोना जानती थी। धधकती हुई ज्वाला में हंसते हुए कूद पड़ती थी और उसे देखती हुई कहती है, तुम लुटेरे भी नहीं, कायर भी नहीं, ऐ कर्मण्य बातों में भुलाने वाले तुम कौन हो? देखा था एक दिन, वही तो है जिसने अपने प्रचंड हुंकार से दस्युओं को खपा दिया था, ठोकर मारकर सोई हुई ऐ कर्मण्य जनता को जगा दिया था, जिसके नाम से रोए खड़े हो जाते थे, भुजाएं फड़कने लगती थी, वही स्कंद रमणियों का रक्षक, बालकों का विश्वास, वृद्धों का आश्रय और आर्यवर्त की छत्र छाया। नहीं, भ्रम हुआ, तुम निष्प्रभ निस्तेज उसी के मलिन चित्र से तुम कौन हो? और वह प्रस्थान करती है। स्कंदगुप्त बैठ जाता है और बैठकर कहता है, आह मैं वही स्कंद हूं, अकेला निस्सहाय। तभी कमला कुटी खोलकर बाहर निकलती है। कमला कहती है, कौन कहता है तुम अकेले हो, समग्र संसार तुम्हारे साथ है। स्वानुभूति को जागृत करो, यदि भविष्य से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात से बिंद के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा जो उस विघ्न स्रोत को लौटा देगा। राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते? समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है, वही ईश्वर का अवतार है। उठो स्कंद, आसुरी वृत्तियों का नाश करो, सोने वालों को जगाओ और रोने वालों को हंसाओ। आर्यावर्त तुम्हारे साथ होगा और उस आर्य पताका के नीचे समग्र विश्व होगा। वीर, स्कंदगुप्त पूछता है, कौन तुम? भटार की जननी?
नेपथ्य से क्रंदन होता है, बचाओ बचाओ का शब्द सुनाई देता है। स्कंदगुप्त पूछता है कौन, देवसेना का सा शब्द, मेरा खड्ग कहाँ है? और वह जाता है। देवसेना का पीछा करते हुए हूण का प्रवेश होता है। देवसेना कहती है, भीम भाई मुझे सत्याचारी से बचाओ, कहाँ गए? हूण कहता है, तुझे कौन बचाता है? पकड़ना चाहता है। देवसेना छुरी निकालकर आत्महत्या किया चाहती है। पर्णदत्त सहसा एक ओर से आकर एक हाथ से हूण की गर्दन और दूसरे हाथ से देवसेना की छुरी पकड़ता है। हूण कहता है, क्षमा हो। पर्णदत्त कहता है, अत्याचारी जा, तुझे छोड़ देता हूं। हाँ बेटी, हम लोग चले महादेवी की समाधि पर। कमला कहती है, कहाँ? वहीं कनिष्क के स्तूप के पास। देवसेना कहती है, हाँ। कौन? कमला देवी। कमला कहती है, वही अभागिनी। देवसेना कहती है, अच्छा जाती हूं, फिर मिलूंगी। और पर्णदत्त के साथ देवसेना का प्रस्थान होता है। तभी स्कंद का प्रवेश होता है। स्कंद कहता है, कोई नहीं मिला, कहां से वह पुकार आई थी? मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। सच्चे मित्र बंधु वर्मा की धरोहर, ओ। कमला कहती है, वह सुरक्षित है, घबराइए नहीं। कनिष्क के स्तूप के पास आपकी माता की समाधि है, वहीं पर पहुंचा दी गई है। स्कंदगुप्त कहता है, मां मेरी जननी तू भी न रही। और वह मूर्छित होता है। कमला उसे कुटी में उठा ले जाती है। और यहां चतुर्थ अंक का पटाक्षेप होता है। आइए मित्रों चलते हैं पांचवें अंक की ओर। पांचवें अंक के प्रथम दृश्य में पथ में मुद्गल को दिखाया गया है। मुद्गल कहता है, राजा से रंग और ऊपर से नीचे, कभी दुर्वृत्त दानव, कभी स्नेह संबलित मानव, कहीं वीणा की हंकार, कहीं दीनता का तिरस्कार, और सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। भाग्य चक्र तेरी बलिहारी। जयमाला यह सुनकर कि बंधु वर्मा वीर गति को प्राप्त हुए सती हो गई और देवसेना को लेकर बूढ़ा पर्णदत्त देवकुल का सा महादेवी की समाधि पर जीवन व्यतीत कर रहा है। चक्रपालित भीम वर्मा और मातृगुप्त राजाधिराज को खोज रहे हैं। सब विक्षिप्त। सुना है कि विजया का मन कुछ फिरा है, वह भी इन्हीं लोगों के साथ मिली है, परंतु उस पर विश्वास करने का मन नहीं करता। अनंत देवी ने पुरगुप्त के साथ हूणों से संधि कर ली है। मगध में महादेवी और परम भट्टारक बनने का अभिनय हो रहा है। सम्राट की उपाधि है प्रकाशादित्य, परंतु प्रकाश के स्थान पर अंधेरा है, आदित्य में गर्मी नहीं। सिंहासन के सिंह सोने के हैं। समस्त भारत हूणों के चरणों में लौट रहा है और भटारक मूर्ख की बुद्धि के समान अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहा है। सामने देखकर कहता है, वह विजया आ रही है तो हट चलो। पर वह उठकर जाना चाहता है। विजया कहती है, अरे मुद्गल, जैसे पहचानता ही ना हो। सच है, समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती हैं। मुद्गल कहता है, तुम कौन हो जी? मुझे बेजान पहचान की छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती। और तिस पर मैं हूं ज्योतिषी, जहां देखो वहीं यह प्रश्न होता है। मुझे उन बातों के सुनने में भी संकोच होता है। मुझसे रूठे हुए हैं, किसी दूसरे पर उनका स्नेह है। वह सुंदरी कब मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? इस देश के छबीले छैल और रसीली छोकरियों ने यही प्रश्न गुरुजी से पाठ में पढ़ा है। अभिचार के लिए, जुआ खेलने के लिए, प्रेम के लिए और भी अभिसार के लिए मुहूर्त पूछे जाते हैं। विजया कहती है, क्या मुद्गल, मुझे पहचान लेने का भी तुम्हें अवकाश नहीं है? मुद्गल कहता है, अवकाश हो या नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। विजया कहती है, क्या आवश्यकता न होने से मनुष्य मनुष्य से बात न करे? सच है, आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, परंतु मनुष्यता भी कोई वस्तु है मुद्गल। मुद्गल कहता है, उसका नाम न लो। जिस हृदय में अखंड वेग है, तीव्र तृष्णा से जो पूर्ण है, जो कृतज्ञता और क्रूरताओं का भंडार है, जो अपने सुख अपने तृप्ति के लिए संसार में सब कुछ करने को प्रस्तुत है, उसे मनुष्यता से क्या संबंध? विजया कहती है, न सही, परंतु इतना तो बता सकोगे, सम्राट स्कंदगुप्त से कहां भेंट होगी? क्योंकि यह पता चला है कि वे जीवित हैं। मुद्गल कहता है,
क्या तुम महाराज से भेंट करोगी? किसमों से? अवंती में एक दिन यह बात सब जानते थे कि विजया महादेवी होगी। विजया कहती है, उसी एक दिन के बदले मुद्गल आज मैं फिर कुछ कहना चाहती हूँ। वही एक दिन का अतीत आज तक का भविष्य छिपाए था। मुद्गल कहता है, तुम्हारा साहस तो कम नहीं है। विजया कहती है, मुद्गल बता दोगे? मुद्गल कहता है, तुम विश्वास के योग्य नहीं। अच्छा, अब और क्या कर लोगी? देवसेना के साथ जहाँ पर्णदत्त रहते हैं, आज कमला देवी के कुटीर से सम्राट वहीं अपनी जननी की समाधि पर जाने वाले हैं, उसी कनिष्क स्तूप के पास। अच्छा, मैं जाता हूँ। देखो विजया, मैंने बता तो दिया, पर सावधान। और इतना कहकर वह वहां से जाता है। विजया कहती है, उसने ठीक कहा, मुझे स्वयं अपने पर विश्वास नहीं। स्वार्थ में ठोकरें लगते ही मैं परमार्थ की ओर दौड़ पड़ी, परंतु क्या यह सच्चा परिवर्तन है? क्या मैं अपने को भूलकर देश सेवा कर सकूंगी? क्या देवसेना? ओ, फिर मेरे सामने वही समस्या। आज तो स्कंदगुप्त सम्राट नहीं है। प्रतिहिन से सो जा। क्या कहा? नहीं, देवसेना ने एक बार मूल्य देकर खरीदा था, परंतु विजया भी एक बार वही करेगी। देश सेवा तो होगी ही, यदि मैं अपनी भी कामना पूरी कर सकती। मेरा रत्न गृह अभी बचा है, इसे सेना संकलन करने के लिए सम्राट को दूंगी और एक बार बनूंगी महादेवी। क्या नहीं होगा? अवश्य होगा। यदृष्ट ने इसीलिए उस रक्षित रत्न गृह को बचाया है। उससे एक साम्राज्य ले सकती हूँ तो आज वही करूंगी। और इसमें दोनों होगा, स्वार्थ और परमार्थ। और वह स्थान करती है। तभी भटार का प्रवेश होता है। भटार कहता है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। ऐसा वीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा परोपकारी सम्राट, परंतु गया, मेरी ही भूल से सब गया। आज भी वे शब्द सामने आ जाते हैं जो उस बूढ़े अमात्य ने कहा था। भटार्क, सावधान, इस काल भुजंग की राजनीति को लेकर तुम खेल रहे हो, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करना। हाय, न हम उसे वश में कर सके और न तो उससे अलग हो सके। मेरी उच्च आकांक्षा, वीरता का दंभ पाखंड की सीमा तक पहुंच गया। अनंत देवी, एक क्षुद्र नारी, उसके कुचक्र में, आशा के प्रलोभन में मैंने सब बिगाड़ दिया। सुना है कि कहीं यहीं स्कंदगुप्त भी हैं। चलूं, उस महत का दर्शन तो कर लूं। अगले दृश्य में कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि दिखाई गई है। अकेला पर्णदत्त टहलते हुए दिखाया गया है। पर्णदत्त कहता है, सूखी रोटियां बचाकर रखनी पड़ती हैं। जिन्हें कुत्तों को देते हुए संकोच होता था, उन्हीं कुत्सित अन्नों का संचय अक्षय निधि के समान उन पर पहरा देता हूं। मैं रोऊंगा नहीं, परंतु यह रक्षा क्या केवल जीवन का बोझ वहन करने के लिए है? नहीं पर्ण, रोना मत। एक बूंद भी आंसू आंखों में न दिखाई पड़े। तुम जीते रहो, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। भगवान यदि होंगे तो कहेंगे कि मेरी सृष्टि में एक सच्चा हृदय था। संतोष कर, उछलते हुए हृदय, संतोष कर। तू रोटियों के लिए नहीं जीता है, तू उसकी भूल दिखाता है जिसने तुझे उत्पन्न किया है। परंतु जिस काम को कभी नहीं किया, उसे करते नहीं बनता, स्वांग भरते नहीं बनता। देश के बहुत से दुर्दशा ग्रस्त वीर हृदयों की सेवा के लिए करना पड़ेगा। मैं क्षत्रिय हूं, मेरा यह पाप ही आपत धर्म होगा। साक्षी रहना भगवान। और एक नागरिक का प्रवेश होता है। पर्णदत्त कहता है, बाबा कुछ दे दो। नागरिक कहता है, और वह तुम्हारी कहां गई वह? और संकेत करता है। पर्णदत्त कहता है, मेरी बेटी स्नान करने गई है। बाबा कुछ दे दो। नागरिक कहता है, मुझे उसका गान बड़ा प्यारा लगता है, अगर वह गाती तो तुम्हें कुछ अवश्य मिल जाता। अच्छा, फिर आऊंगा। और वह जाता है। पर्णदत्त दांत पीस कर कहता है, नीच दुरात्मा, विलास का नारकीय कीड़ा, बालों को संवार कर, अच्छे कपड़े पहनकर अपनी गमन से तना हुआ निकलता है। कुलवधुओं का अपमान सामने देखते हुए भी अकड़ कर चल रहा है। अब तक विलास और नीच वासना नहीं गई। जिस देश के युवक ऐसे हों,
से अवश्य दूसरों के अधिकार में जाना चाहिए। देश पर यह विपत्ति, फिर भी यह निराली ध्वज, देवसेना प्रवेश करके कहती है, क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो, जाने दो, जिसने नहीं दिया उसने अपना, कुछ तुम्हारा तो नहीं ले गया। पंडित कहता है, अपना? देवसेना, अन्न पर स्वत्व है भूखों का और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हमें भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह खाती है, उसे लौटाने में इतनी कुटिलता। विलास के लिए उनके पास पुष्कल धन है और दरिद्रों के लिए नहीं। अन्याय का समर्थन करते हुए तुम्हें भूल न जाना चाहिए कि, देवसेना कहती है, बाबा क्षमा करो, आने दो, कोई तो देगा। पंडित कहता है, हमारे ऊपर सैकड़ों अनाथ वीरों के बालकों का भार है। बेटी, वे युद्ध में मरना जानते हैं, परंतु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर आंखों से रक्त गिर पड़ता है। देवसेना कहती है, बाबा महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूँ। कई दिनों से भीम नहीं आया, मातृगुप्त भी नहीं, सब कहाँ है? पंडित कहता है, आवेंगे बेटी, तुम बैठो, मैं भी आता हूं। और वह प्रस्थान करता है। देवसेना कहती है, संगीत सभा की अंतिम लहरदार और आश्रयहीन तान, धूपदान की एक क्षीण गंध धूम रेखा, उछले हुए फूलों का मलान सौरभ और उत्सव के पीछे का अवसाद, इन सबों की प्रतिकृति मेरा क्षुद्र नारी जीवन। मेरे प्रिय गान, अब क्यों गाऊं और क्या सुनाऊं? इस बार बार के गाए हुए गीतों में क्या आकर्षण है, क्या बल है जो खींचता है? केवल सुनने की ही नहीं, प्रत्युत जिसके साथ अनंत काल तक कंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती है। और वह गाती है, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणी यह किसका मधुर प्रकाश, हृदय तू खोजता किसको, छिपा है कौन सा तुझमें, मचलता है बता क्या दूं, छिपा तुझसे न कुछ मुझमें। प्रसनिधि में जीवन रहा, मिटी न फिर भी प्यास, मुंह खोले मुक्ता मई, सीपी स्वाति आस, हृदय तू है बना जल निधि, लहरियां खेलती तुझमें, मिला अब कौन सा नवरत्न, जो पहले न था तुझमें। और ऐसा गाते हुए वह प्रस्थान करती है। तभी वेश बदले हुए स्कंदगुप्त का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त कहता है, जननी तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम। और वह समाधि के समीप घुटने टेक कर फूल चढ़ाता है। स्कंदगुप्त कहता है, माँ अंतिम बार आशीर्वाद नहीं मिला, इसी से यह कष्ट, यह अपमान। माँ तुम्हारी गोद में पलकर भी तुम्हारी सेवा न कर सका, यह अपराध क्षमा करो। और तभी देवसेना का प्रवेश होता है। देवसेना पहचानती हुई कहती है, कौन? अरे सम्राट की जय हो। स्कंदगुप्त कहता है, देवसेना? देवसेना उत्तर देती है, हाँ राजाधिराज, धन्य भाग्य आज दर्शन हुए। स्कंदगुप्त कहता है, देवसेना बड़ी बड़ी कामनाएं थी। देवसेना कहती है, सम्राट। स्कंदगुप्त कहता है, क्या तुमने यहाँ कोई कुटी बना ली है? देवसेना कहती है, हाँ यही गाकर भिक्षा मांगती हूँ और आर्य पंडित के साथ रहती हुई महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हूँ। स्कंदगुप्त कहता है, मालवेश कुमारी देवसेना, तुम और यह कर्म, समय जो चाहे करा ले, कभी हमने भी तुझे अपने काम का बनाया था। देवसेना, यह सब मेरा प्रायश्चित है, आज मैं बंधु वर्मा की आत्मा को क्या उत्तर दूंगा, जिसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित कर दिया था, उससे कैसे ऋण होऊंगा? मैं यह सब देखता हूं और जीता हूं। देवसेना कहती है, मैं अपने लिए ही नहीं मांगती देव, आर्य पर्णदत्त ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्र किए हैं, वे सब निरवलंब है, किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है तो किसी के जीर्ण वस्त्र खंड, उन सबकी सेवा इसी आश्रम से होती है। स्कंदगुप्त कहता है, पर्णदत्त, तात पर्णदत्त, तुम्हारी यह दशा, जिसके लोहे से आग बरसती थी वह जंगल की लकड़ियां बटोर कर आग सुलगाता है। देवसेना, अब इसका कोई काम नहीं, चलो महादेवी की समाधि के सामने प्रतिशुद्ध हो, हम तुम अब अलग न होंगे, साम्राज्य तो नहीं है, मैं बचा हूं, वह अपना ममत्व तुम्हें अर्पित करके ऋण होऊंगा और एकांतवास करूंगा। देवसेना कहती है, तो न होगा सम्राट, मैं दासी हूं, मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है
उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान न करूंगी। सम्राट देखो यहीं पर सती जयमाला की भी छोटी सी समाधि है, उसके गौरव की भी रक्षा होनी चाहिए। चंद्रगुप्त कहता है देवसेना बंधु वर्मा की भी तो यही इच्छा थी। देवसेना कहती है परंतु क्षमा हो सम्राट, उस समय आप विजय का स्वप्न देखते थे, अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित न करूंगी, मैं आजीवन दासी बनी रहूंगी परंतु आपके प्राप्य में भाग न लूंगी। चंद्रगुप्त कहता है देवसेना एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा, साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो। देवसेना कहती है तब तो और भी नहीं, मालव का महत्व तो रहेगा ही परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए, आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। सम्राट क्षमा हो, इस हृदय में आह कहना ही पड़ा, चंद्रगुप्त को छोड़कर न तो कोई दूसरा आया और न वह जाएगा, अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए, उसे कामना के भोर में फंसाकर कलुषित ना कीजिए। नाथ मैं आपकी ही हूं, मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ लिया नहीं चाहती, और वह पैर पर गिरती है। चंद्रगुप्त आंसू पोंछता हुआ कहता है तो देवसेना तुम्हारी विजय हुई, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कुमार जीवन ही व्यतीत करूंगा, मेरी जननी की समाधि इसमें साक्षी है। देवसेना कहती है हैं हैं ये क्या किया। चंद्रगुप्त कहता है कल्याण का श्री गणेश, यदि साम्राज्य का उद्धार कर सका तो उसे पुरगुप्त के लिए निष्कंटक छोड़ जा सकूंगा। देवसेना निश्वास लेकर कहती है देवव्रत तुम्हारी जय हो, जाऊं आर्य प्रणदत्त को लिवा लाऊं, और वह प्रस्थान करती है। तभी विजय का प्रवेश होता है। विजय कहती है इतना रक्तपात और इतनी ममता, इतना मोह, जैसे सरस्वती के शोणित जल में इंदिवर का विकास, इसी कारण अब मैं भी मरती हूं, मेरे स्कंद मेरे प्राणाधार। स्कंदगुप्त घूमकर कहता है यह कौन इंद्रजाल मंत्र, अरे विजया। विजया कहती है हाँ मैं ही हूं। स्कंदगुप्त कहता है तुम कैसे। विजया कहती है तुम्हारे लिए मेरे अंतस्थल की आशा जीवित है। स्कंदगुप्त कहता है नहीं विजया, उस खेल को खेलने की इच्छा नहीं, यदि दूसरी बात हो तो कहो, उन बातों को रहने दो। विजया कहती है नहीं मुझे कहने दो, और सशक्ति हुई कहती है मैं अब भी। चंद्रगुप्त कहता है चुप रहो विजया, यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे प्रवंचना से कलुषित ना करो, तुमसे यदि स्वर्ग भी मिले तो मैं उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। विजया कहती है मेरे पास अभी दो रत्नगृह छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहज ही इन हूणों को परास्त कर सकते हो। चंद्रगुप्त कहता है परंतु साम्राज्य के लिए मैं अपने को नहीं बेच सकता, विजया चली जाओ, इस निर्लज्ज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं, यह प्रसंग यहीं तक। जय कहती है मैंने देशवासियों को सन्नत करने का संकल्प किया है और भटार का संसर्ग छोड़ दिया है, तुम्हारी सेवा के उपयुक्त बनने का उद्योग कर रही हूँ, मैं मालव और सौराष्ट्र को तुम्हारे लिए स्वतंत्र करा दूंगी, अर्थलोभी हूण दस्युओं से इसे छुड़ा लेना मेरा काम है, केवल तुम स्वीकार कर लो। चंद्रगुप्त कहता है विजया तुमने मुझे इतना लोभी समझ लिया है, मैं सम्राट बनकर सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं हूं, शस्त्र बल से शरीर देकर भी यदि हो सका तो जन्मभूमि का उद्धार कर लूंगा, तुम के लोभ से मनुष्य के भय से मैं उत्कोच देकर प्रीत साम्राज्य नहीं चाहता। विजया कहती है क्या जीवन के प्रत्यक्ष सुखों से तुम्हें वितृष्णा हो गई है, आओ हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद लो। चंद्रगुप्त कहता है और असहाय दिनों को राक्षसों के हाथ उनके भाग्य पर छोड़ दूं। विजया कहती है कोई दुख भोगने के लिए है कोई सुख, फिर सबका बोझ अपने सिर पर लादकर क्यों व्यस्त होते हो। चंद्रगुप्त कहता है परंतु इस संसार का कोई उद्देश्य है, इसी पृथ्वी को स्वर्ग होना है, इसी पर देवताओं का निवास होगा, विश्व नियंता का ऐसा ही उद्देश्य मुझे विदित होता है, फिर उसकी इच्छा क्यों ना पूर्ण करूं। विजया मैं कुछ नहीं हूं, उसका अस्त्र हूं, परमात्मा का अमोघ अस्त्र हूं, मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है, किसी से मेरी शत्रुता नहीं क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं,
देशव्यापी हलचल के भीतर कोई शक्ति कार्य कर रही है। पवित्र प्राकृतिक नियम अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं सन्नद्ध है। मैं उसी ब्रह्मचक्र का एक विजय कहती है, रहने दो यथोता ज्ञान, प्रियतम यह भरा हुआ यौवन और प्रेमी हृदय विलास के उपकरणों के साथ प्रस्तुत है। उन्मुक्त आकाश के नील निरत मंडल में दो बिजलियों के समान क्रीड़ा करते करते हम लोग तिरोहित हो जाएं और उस क्रीड़ा में तीव्र आलोक हो जो हम लोगों के विलीन हो जाने पर भी जगत की आंखों को थोड़े काल के लिए बंद कर रखे। स्वर्ग की कल्पित अप्सराएं और इस लोक के अनंत पुण्य के भागी जीव भी जिस सुख को देखकर आश्चर्यचकित हो, वही मादक सुख घोर आनंद विराट विनोद हम लोगों का आलिंगन करके धन्य हो जाए। अगर भूमि की श्याम लहरियां उलझी हो इन अलकों से, मादकता लाली के डोरे इधर फंसे हैं पलकों से, व्याकुल बिजली सी तुम मछली आर्द्र हृदय घनमाला से, आंसू बरनी से उलझे हो अधर प्रेम के प्याला से, इस उदास मन की अभिलाषा अटकी रहे प्रलोभन से, व्याकुलता सौ सौ बल खाकर उलझ रही हो जीवन से, छवि प्रकाश किरणें उलझी हो जीवन के भविष्यतम से, ये लाएंगी रंग सुलालित होने दो कंपन सबसे, इस आकुल जीवन की घड़ियां इन स्थूर आघातों से बजा करे अगणित यंत्रों से, सुख दुख के अनुपातों से, खुड़ी सांसें उलझ रही हो धड़कन से कुछ परिमित हो, अनुनय उलझ रहा हो तीखे तिरस्कार से लांछित हो, यह दुर्बल दीनता रहे उलझी फिर चाहे ठुकरा हो, निर्दयता के इन चरणों से जिसमें तुम भी सुख पाओ। और विजया यह गाना गाते हुए स्कंद के पैरों को पकड़ती है। स्कंद पैर छुड़ाकर कहता है, विजया पिसाची हट जा, नहीं जानती मैंने आजीवन कौमार व्रत की प्रतिज्ञा की है। विजया कहती है, तो क्या मैं फिर हारी? और तभी भटार का प्रवेश होता है। भटार कहता है, निर्लज्ज हार कर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता। विजया कहती है, कौन भटार? भटार कहता है, हाँ तेरा पति भटार। तो चरित्रे सुना था कि तुझे देश सेवा करके पवित्र होने का अवसर मिला है, परंतु हिंस पशु कभी एकादशी का व्रत करेगा, कभी पिशाची शांति पाठ पढ़ेगी। विजया फिर नीचा करके कहती है, अपराध हुआ। भटार कहता है, फिर भी इसके साथ, इसके ऊपर अत्याचार करके मैं भी लज्जित हूं, इसे क्षमा याचना करने मैं आ रहा था, नीच स्त्री। विजया कहती है, घोर अपमान तो बस, और छुरी निकालकर आत्महत्या करती है। संतगुप्त कहता है, भटार इसके शव का संस्कार करो। भटार कहता है, देव मेरी भी लीला समाप्त है, और छुरी निकालकर अपने को मारना चाहता है। तभी स्कंद उसका हाथ पकड़ लेता है। स्कंदगुप्त कहता है, तुम वीर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता है, तुम्हारा यह प्रायश्चित नहीं, रणभूमि में प्राण देकर जन्मभूमि का उपकार करो। भटार का यदि कोई साथी न मिला तो साम्राज्य के लिए नहीं, जन्मभूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूंगा और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। और गुप्त को सिंहासन देकर मैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करूंगा। आत्महत्या के लिए जो अस्त्र तुमने ग्रहण किया है उसे शत्रु के लिए सुरक्षित रखो। भटार स्कंद के सामने घुटने टेक कर कहता है, श्री स्कंद गुप्त विक्रमादित्य की जय हो, जो आज्ञा होगी वही करूंगा। स्कंद गुप्त कहता है, पहले शव का प्रबंध होना चाहिए, और वह प्रस्थान करता है। भटार स्वागत कथन करता है, इस घृणित शव का अग्नि संस्कार करना ठीक नहीं, लाओ इसे यहीं गाड़ दो। और भूमि खोदते समय एक भयानक शब्द के साथ रत्नग्रह प्रकट होता है, और भटार प्रसन्न होकर पुकारता है, और स्कंदगुप्त आकर रत्नग्रह देखता है। स्कंदगुप्त कहता है, भटार यह तुम्हारा है? भटार कहता है, हाँ सम्राट यह हमारा है, इसीलिए देश का है, आज से मैं सेना संकलन में लगूंगा। स्कंदगुप्त कहता है, वह दूर पर बड़ी भीड़ हो रही है स्तूप के पास। भटार कहता है, नागरिकों का उत्सव है। और रत्नग्रह बंद करके कहता है, चलिए देखूं। तो आज के लिए इतना ही, शेष नाटक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, और यदि आपने अभी तक भी बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।